अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। आज की वीडियो जरा नॉर्मल मेरी वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि बेसिकली आज मैं चाह ही रहा था कि आप सब लोगों को YouTube के बारे में कुछ चीज़ें बताऊं, और मैं अकेले ना बताऊं, मेरे साथ कोई एक और गेस्ट भी हो जिसका ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस हो। जी बिल्कुल। कितने साल हो गए YouTube? नहीं, आप जितना एक्सपीरियंस तो नहीं है। 3 साल। लेकिन नहीं, मेरा भी ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। मैंने लास्ट मार्च में, आई थिंक 1 मार्च को स्टार्ट किया था, अभी जनवरी चल रहा है 2021, तो 10 मंथ ऑलमोस्ट YouTube पर। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं जनाब, ये हैं सैफ और राणा, मेरे छोटे भाई की तरह है। वी वर नेबर्स एट वन टाइम, और इनका अपना एक YouTube का चैनल है, दैट इज कॉल्ड एज गुरु राणा। गुरु राणा, जिस पे बेसिकली ये मोबाइल फ़ोन के रिव्यूज़ करते हैं, टेक रिव्यूज़ करते हैं, एंड एट द सेम टाइम मोबाइल फ़ोन की न्यूज़ देते हैं स्पेशली। हाँ, न्यूज़, टेक न्यूज़, अपकमिंग स्मार्टफोन्स और अनबॉक्सिंग वगैरह भी। यार सैफी, एक चीज़ कमेंडेबल है, मैं जब छुट्टियों में आता हूँ मैं YouTube पे ज़्यादा जोर उस वक्त देता हूँ। तू माशाल्लाह साथ नौकरी भी कर रहा है, बिल्कुल, और साथ शाम को बैठ के वीडियो बनाता भी है, वीडियो एडिट भी करता है, उसको अपलोड भी करता है, और फिर एक दिन फिर दोबारा जॉब पे भी जाता है। बिल्कुल। ऑलमोस्ट आजकल तो मेरी रूटीन और ज़्यादा टफ हुई है। मैं रात को 8 बजे 9 बजे घर पहुँच रहा होता हूँ, उसके बाद फैमिली के लिए थोड़ा सा टाइम, 1-2 घंटे फैमिली के साथ, मतलब 10-11 बजे मैं अपने जो है ना वो रूम में जा रहा होता हूँ, उसके बाद जाके मैंने अपना कंटेंट बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करनी, एडिट करना, रात को 2 बजे तक जो है ना, 3 बजे तक समटाइम मैं जो है ना वो रात को सो रहा होता हूँ, और फिर उसके बाद सुबह फिर 9-10 बजे ऑफिस पहुँचना होता है। तो आजकल तो काफ़ी टफ हुआ हुआ है ये। एंड जस्ट फॉर परस्पेक्टिव, इस वक्त रात के ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं। हाँ जी, मैं ऑफिस अभी मैं ऑफिस से सीधा इधर आया हूँ। सैफी, चैनल स्टार्ट क्यों किया? आज़ाद भाई, सबसे जो बड़ी रीज़न थी वो तो आप ही थे, क्योंकि मैंने आपको मेरे फेलियर्स को देख देख के मैंने कहा आप स्टार्ट कर सकते हैं तो मैं भी स्टार्ट कर सकता हूँ। वैसे मेरा प्लान तो बहुत पुराना था, और मैं तकरीबन ऑलमोस्ट, अगर मेरे क्रिएटेड जो मेरा चैनल है वो क्रिएट जो हुआ वो 2011 को हुआ, और तभी मेरा प्लान था करने का, और वो स्टार्ट में जब MKBHD ने स्टार्ट किया था 2009 में 2010 में, तब से ही जो है ना उससे मैं इंस्पायर्ड होकर जो है ना टेक से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन थी, नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, गैजेट्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है, तो उससे मैं डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस देख रहा हूँ, वो सब मेरे सामने ग्रो होते चले गए, और मैं एक चीज़ बस अपने जहन में ये रख के बैठा हुआ था कि यार मैं भी कभी स्टार्ट करूँगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया अनटिल जाहिद भाई एक दिन मुझे मिल गए। और वो मिले मुझे 1 मार्च से एक दिन जो पहले था ना, उस दिन वो मुझे मिले, और हमारी कोई चलते चलते बस 10 से 15 मिनट की कन्वर्सेशन हुई YouTube से रिलेटेड। मैंने इनसे पूछा भाई कैसा चल रहा है आपका YouTube, कैसा? हॉरिबल हॉरिबल चल रहा है YouTube। जाहिद भाई ने एक बात की थी कि यार आज ही स्टार्ट कर दे। हाँ, उन्होंने मेरी एज पूछी, क्या एज है, कहता अभी तू लेट नहीं हुआ है भाई, तू आज ही स्टार्ट कर दे। मैं तो बहुत लेट स्टार्ट किया, लेकिन तू जो है ना आज ही स्टार्ट कर दे और फॉलो योर ड्रीम्स। हाँ, फॉलो योर ड्रीम्स। तो मैंने उस दिन जो कुछ भी था मेरे पास, ना माइक था ना कुछ भी था, एक स्मार्टफोन था, मैं उसी दिन अपने बेडरूम में गया हूँ, मैंने एक स्टिक के ऊपर कैमरे को जो है ना वो बांधा है, बल्कि एक सेल्फी स्टिक मेरे पास पड़ी हुई थी, उस सेल्फी स्टिक के ऊपर वो कैमरा लगा के मैंने बेड के अंदर उसको डाला है, उसका स्टैंड बनाया, और उस स्टैंड से जनाब मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू किया, एक आधा जो है ना वो बल्ब वगैरह इधर उधर लगा के मैंने थोड़ा बहुत करके मैंने जो है ना उसी दिन जाके वीडियो बनाई, और अगले दिन वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। मैंने सोचा ये था जैसी भी वीडियो बन रही है, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, कैमरा शायद मैं इतना था कि कैमरा के आगे मैं बिल्कुल बोल ही नहीं सकता था, लेकिन उस दिन मैंने वीडियो बनाई, आई रिमेम्बर, एडिट की, और मैंने उससे एक दिन पहले ही जो है ना उसी दिन बल्कि बैठ के साथ साथ प्रीमियम प्रो जो है ना यूट्यूब से सीखा मैंने कि किस तरह इसको यूज़ करना है, साथ ही वीडियो एडिट करके मैंने अपलोड कर दी। अगर जाहिद भाई ना मिलते उस दिन मुझे, तो मैं शायद अभी भी जो है ना सोच ही रहा होता कि कभी यूट्यूब मैंने स्टार्ट करनी है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी 7 मिस्टेक्स द नॉर्मली द यूट्यूबर्स मेक, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं यहाँ लिंक कर दूंगा, आप देखिएगा ज़रूर। उसमें मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था, और मैंने जिक्र ये किया था कि मेरा बेटा जो है वो हमारे हमसाए के घर जाता था, और हमारे हमसाए ने उसकी एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने ऑडियो डबिंग कर दी थी गाने की। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम घुमलाने को, वो ये भाई जानते थे। तो वो 2010 की बात है, exactly. 9-10 की बात है 2000। मेरे ख्याल में हम लोगों को ये बता दें कि हमारा जो ये इतना लंबा सफर अभी तक रहा, स्पेशली मेरा ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, ठीक है, व्हाट वी हैव एक्चुअली लर्न्ड, हमने क्या सीखा यूट्यूब से?
मेरे ख्याल आपसे स्टार्ट करते हैं, आप बताएं कि आपने, क्योंकि आपको ज़्यादा ऑब्वियसली ज़्यादा ज़्यादा क्या मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा टाइम हो गया आपको, और आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आपने अभी यार पहली एग्जांपल मैंने उस वीडियो में भी यही कहा था और मैं आज वीडियो में भी आपको यही बता रहा हूँ, पहली एग्जांपल मेरा अपना चैनल खुद है, कॉन्टेंट इज़ रैंडम रैंडम, मैं हिस्ट्री के ऊपर भी बात कर लेता हूँ, मैं टेक के ऊपर भी बात कर लेता हूँ, मुझे टेक की हिस्ट्री के बारे में भी शौक है, प्लस मुझे शिपिंग से रिलेटेड तो मैं खुद हूँ, मैं खुद कप्तान हूँ जहाज़ का, तो मुझे ऑफ कोर्स उसके बारे में भी मैं इंटरेस्टेड भी बना लेता हूँ, फिर मुझे व्लॉग्स का भी शौक है, फिर मुझे म्यूजिकल व्लॉग्स का भी शौक है, फिर मुझे इंटरनेट का भी शौक है, तो ये जो इतनी सारी चीज़ें जमा हो गई हैं ना मेरे चैनल के ऊपर, इन्होंने कम अज़ कम मेरे चैनल का तो भट्टा बिठा दिया, इट्स ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि 2 दिन पहले की बात है कि एक वन गाय ही कॉल्ड मी फॉर मैक मिनी M1, तो उसने कहा जी आपका इसके बारे में एक्सपीरियंस कैसा है, ही वॉज, आप ऐसा समझ लें मेरे एक दोस्त का दोस्त, उसने उसको रेफर किया कि जनाब आप जाहिर से बात कर लो, इसको ज़रा टेक की चीज़ों का ज़्यादा पता है, तो मैंने कहा यार बात करने का क्या फ़ायदा, ये मेरा रिव्यू है जाके देख लो अच्छा उसने कहा अच्छा यूट्यूबर भी है, मैंने कहा जी मैं यूट्यूबर भी हूँ, मैंने कहा ये मैंने रिव्यू बनाया आप देख लें जाके, उस बंदे ने वो देखा कहता साहिद भाई रिव्यू तो बहुत अच्छा है आपके चैनल को क्या हुआ है, मैंने कहा जी मेरे चैनल को लकवा मारा हुआ है, तो बेसिकली जो रैंडमनेस ऑफ कंटेंट है ना, भांत भांत का कंटेंट जो है वो ना तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को पसंद है, बिल्कुल यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको रिकमेंड ही नहीं करता, ऐसे ही है, वो आपकी एक वीडियो को रिकमेंड करेगा, अगली वीडियो के बारे में वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये वीडियो जो है उस तरीके से इसके व्यूअर्स क्यों नहीं देख रहे जैसी पिछली वीडियो देखी, एक डायलॉग आपने यूज किया था जब मैं लास्ट टाइम आपके पास आया था कि आपने यूट्यूब को शायद घुमा के रखा हुआ है कि एग्जैक्टली यूट्यूब को समझ नहीं आ रही कि आपका कंटेंट आखिर दिखाना किसको है, नहीं समझ आ रही, वो मैं अभी तक बताऊं मेरी 3 वीडियोस अभी तक रैंक हो चुकी है, पहली वीडियो वो थी जो पीटीसेल वाली थी, वो तो अभी तक जो है वो टॉप 5 वीडियोस में आप देखेंगे अभी भी पीटीसेल आपको नजर आएगा, उसके बाद मैंने साथ में गाड़ियों का रिव्यूज भी शुरू किया हुआ था, तो टोयोटा कोरोला XLI ऑटोमेटिक दूसरी वीडियो वो रैंक होना शुरू हो गई थी, सही, वो कार वाले लोग आते थे और वो कहते थे यार हम तो गाड़ी का रिव्यू देख के आए हैं आपके चैनल पे क्या भरा हुआ है, आई एंडेड अप डिलीटिंग दैट वीडियो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो वीडियो रैंक कर रही थी, उससे मेरे सब्सक्राइबर आ रहे थे, तकरीबन कोई 800 सब्सक्राइबर मेरे उस वीडियो से आए थे, लेकिन मैंने वो आई एंडेड अप डिलीटिंग दैट वीडियो, मैंने कहा यार मैं गाड़ियों के रिव्यूज कैसे करूंगा सारे के सारे, अब तीसरी जो है वो स्विस कैनाल वाली आजकल रैंक हो रही है, मैंने पिछली वीडियो में कहा कि यार ये वीडियो यूट्यूब को रैंक करनी चाहिए, उसने वही रैंक करना शुरू कर दी, अब वो रैंक हो गए वहां से जब सब्सक्राइबर आते तो मुझे कहते कप्तान साहब आप ये क्या इंटरनेट के रिव्यूज के बारे में, इनके बारे में लगे, जो आपकी शिप वाला जो कंटेंट है वो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कंटेंट, उसके व्यूअर जो है वो इंटरनेशनल है, जो मेरा शिप वाला कंटेंट है ना उसमें इंग्लिश कंटेंट भी है और उर्दू कंटेंट भी है, मेरे चैनल पे ये कमेंट्स आते हैं, सुबह सुबह कमेंट आया कि यार 2 वीडियो अंग्रेजी में डाल के बाकी कौन सी जुबान में डाली, अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था, कि आपकी जो शिप वाला कंटेंट है वो सारा ज्यादातर जो उर्दू वाला कंटेंट है वो इंडियन पाकिस्तान बांग्लादेश इस तरह की ऑडियंस जो है वो उसके अरे अब इंडिया और बांग्लादेश के जो व्यूअर हैं आपके उनको नहीं पता कि पीटीसीएल के क्या मसले चल रहे हैं, सर मेरी फिलीपींस से व्यूअरशिप है, फिलीपींस से जो इंग्लिश वीडियोस देखते हैं लड़के क्योंकि वो फिलीपींस के हमारे क्रू होते हैं, वो कहते हैं यार हमने 2 तो देख ली बाकी का क्या करें, बाकी का क्या करें, अब जाहिर सी बात है मेन जो मकसद है आपका आपकी ऑडियंस बिल्ड करना है, आपने जो यूट्यूब के ऊपर आए हैं वो आपने अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है और ऑडियंस को आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है वो डेली बेसिस पे या फिर जब भी आप कंटेंट जा रहे हैं वो किससे रिलेटेड कंटेंट, नीश क्या है आपकी, नीश क्या है आपकी, डिफाइन नीश आपको जो है ना वो चैनल स्टार्ट करने से पहले जो है ना वो आपको अपनी नीश सबसे पहले डिफाइन करनी है कि आप करना क्या चाहते हो, अगर आप जाहिद भाई की तरह हर फन मोला हैं तो मेरे ख्याल से उन जितने भी आपको फन आते हैं उन सब फन का एक अलग अलग चैनल बना लें वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, आप बजाय के हफ्ते में 4 वीडियो एक ही चैनल के ऊपर अलग अलग नीश के ऊपर डाल रहे हैं आप वही 4 वीडियो अलग अलग चैनल के ऊपर हफ्ते में एक एक दफ़ा डाल लें, मैं तो अभी जाहिद भाई को यही कह रहा था कि आप यूट्यूब के जो है ना वो अनसंग यूट्यूबर आपको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो 3-4 साल से कंटेंट डाल रहे हैं लेकिन इस क्वालिटी का कंटेंट पूरी दुनिया में कोई भी नहीं डाल रहा, और अगर डाल रहा है तो इतने उसके 3 साल में सब्सक्राइबर उसके से ज्यादा होंगे, इम्पॉसिबल 7,000 क्या उसके 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, तो मैं तो इनको यही कह रहा था कि आप अनसंग यूट्यूबर हैं, जो तो मेरे ख्याल में आज इस पहले पॉइंट को हमने जितना टाइम दे दिया है ना तो आप सबको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस थिंग इज, रैंडमनेस कंटेंट की आपके चैनल के लिए जानलेवा है, दुरुस्त हो गया बिल्कुल एग्जैक्टली, आप क्या टिप देना चाहेंगे जनाब, आपके ख्याल में एक और बड़ी मिस्टेक क्या की जा सकती है, मेरे ख्याल से अगर आप यूट्यूब आज की डेट में स्टार्ट कर रहे हैं ना तो सबसे आपके जहन में जो एक चीज़ होनी चाहिए ना कि कंसिस्टेंसी, कि आपने यूट्यूब
कि जो वीडियो है करेक्ट वो किस तरह डालनी है, आपने हफ्ते में एक वीडियो डालनी है, हफ्ते में चार वीडियो डालनी है, हफ्ते में दस वीडियोज़ डालनी है, वो आप पहले से जो है ना बताएंगे कि भाई आपके जहन में होना चाहिए कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, उसके साथ मैंने यूट्यूब भी करना है, तो आपके जहन में ये ज़रूर होना चाहिए कि एक वीक के अंदर मैं कितनी वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ, एक मंथ हाँ। तो वो आपने कंसिस्टेंसी जो है ना उसकी बरकरार रखनी है टिल एंड, उससे ज़्यादा वीडियोस डाल सकते हैं, उससे कम ना डालें, तो मेरे ख्याल से उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एल्गोरिदम जो है वो यूट्यूब का जो है वो आपको बहुत ज़्यादा उसको पिक करेगा आपके चैनल को, और उसको पता होगा कि यार यूट्यूब के एल्गोरिदम क्योंकि इसकी वीडियो कब आ रही है और किस किस को मैंने इसकी वीडियो जो है वो रिकमेंड करनी है। तो मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी जो है वो एक बहुत बेहतरीन वो है टूल अगर आप यूट्यूब का चैनल जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं ख़ुद को बताऊं कि मैं कभी भी जो है ना वो कंसिस्टेंट नहीं रहा हूँ। चलो एक और चीज़ जो मैंने सीखी थी वो यह है कि एक टाइम के ऊपर आपकी वीडियो आनी चाहिए, ये ना करें कि आपकी एक वीडियो जो है वो आप 2 बजे पोस्ट कर रहे हैं, दूसरी वीडियो आप 6 बजे पोस्ट कर रहे हैं, तीसरी वीडियो आप रात को 12 बजे पोस्ट कर रहे हैं। एक टाइम रखें, आपके ऑडियंस को पता होना चाहिए कि आपकी वीडियो कब आनी है। एक एक दिन मतलब हफ्ते में 7 दिन है, उसमें आप मंडे थर्सडे और फ्राइडे का कोई दिन अगर 3 वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं तो एक 3 दिन अपने डिफ़ाइन कर लें, उस 3 दिनों में अपना टाइम डिफ़ाइन कर लें कि मेरा इस टाइम के ऊपर जो है ना वीडियो पोस्ट करेगी, ताकि आपके जो ऑडियंस है उनको पता हो कि आपकी जो वीडियो कब आने वाली है, और यूट्यूब को भी पता हो कि आपकी वीडियो कब आएगी और किन लोगों को उसने दिखानी है। ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी को यूट्यूब एल्गोरिथम जो है ठीक ठाक किस्म का वेटेज देता है। देयर इज वन मोर थिंग एंड दैट इज क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी आई थिंक। इस पे तो बहुत सारी बहस हुई है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि यार क्वालिटी या फिर क्वांटिटी कौन सी ज़्यादा बेहतर है। आप पहले बताएं आप किस चीज़ को प्रेफर। यार मेरे ख्याल में चीज़ें दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको हम ये कहते हैं कि यार दिस इज़ रबिश, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक बंदा अपना चैनल स्टार्ट कर रहा है उसको किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? इनिशियली क्वांटिटी, देन जब थोड़े से एस्टेब्लिश हो जाए, 5,000-6,000 सब्सक्राइबर आ गए, लोग अब आपको देखना शुरू हो गए, यूट्यूब के एल्गोरिदम ने आपकी वीडियोस को भी थोड़ा सा प्रमोट करना शुरू कर दिया, देन इट इज़ टाइम टू इम्प्रूव योर क्वालिटी एज वेल। और अगर आप स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि आप क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी दे सकते हैं तो उससे चीज़ की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। बट फॉर इनिशियल पीपल, इनिशियल यूट्यूबर्स हु आर गोइंग टू स्टार्ट देयर चैनल इनिशियली, आई थिंक क्वांटिटी, और स्पेशली क्वांटिटी जो है वो इनिशियली इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है कि वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस एग्जैक्टली। आपकी जितनी प्रैक्टिस होती रहेगी आपका डिलीवरी स्टाइल इंप्रूव होता रहेगा, आप जिस तरीके से कैमरा को फेस करते हैं वो इंप्रूव होता रहेगा, आपकी एडिटिंग इंप्रूव होती रहेगी, साउंड डिज़ाइन, लाइटिंग, हर चीज़ साथ साथ इंप्रूव होती रहेगी, ऐसा ऐसा आपको खुद फॉल्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे अपनी। बिल्कुल, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा यही हुआ है कि अगर मेरी पहली वीडियो को उठा के देखेगा तो मैं खुद अपनी पहली वीडियो नहीं देखना चाहूँगा, कोई भी नहीं देखना चाहेगा, कोई भी नहीं देखना चाहेगा अपनी पहली वीडियो, लेकिन फिर भी आपको उस वीडियो से प्यार होता है क्योंकि वो आपकी पहली वीडियो है और उसी वीडियो की वजह से उसी वीडियो की वजह से अभी जहाँ पर भी हैं आप या जहाँ पर भी पहुँचेंगे उसी एक वीडियो की वजह से जाएंगे। तो जितनी हिम्मत आपको, जितना हौसला उस वीडियो को बनाने के लिए चाहिए होता है तो वो किसी वीडियो के लिए आपको चाहिए। दोबारा तो क्वान्टिटी फिर क्वालिटी और exactly. अगर इन दोनों को आप स्टार्ट में मेंटेन कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। मेरे ख्याल से एक चीज़ जो है ना जिसने मुझे रोके रखा 8-9 साल तक वो ये था कि आप यही आपके जहन में चलता रहता है कि मेरे पास गैजेट्स नहीं है, मेरे पास गेम्स नहीं है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मेरे पास कंटेंट नहीं है, मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या लिखूँगा। तो एक ये चीज़ जो है ना मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगी और मैं इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास माइक नहीं है, आपके पास लाइट्स नहीं है, आपके पास स्टूडियो नहीं है, कहीं भी नहीं है। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो हैं वो उनकी पहली वीडियोज़ खोल के देखें, उनकी पहली वीडियोज़ आप निकाल के देखें, और पहली वीडियोस जब आप देखेंगे, आप जब आप अभी किसी भी यूट्यूबर को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे होते हैं ना तो उसकी आप लाइटिंग, उसके कैमराज और उन चीज़ों को देख के आप बहुत जो है ना वो फैसिनेट हो रहे होते हैं कि यार ये बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से आपको ये नुकसान हो रहा होता है कि आप ये समझते हैं कि यार मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन जब आप उनकी पहली पहली वीडियोस देखेंगे ना, मैंने स्टार्ट में यही किया था कि मैं जिस यूट्यूबर को भी देखता था उसकी जाके सबसे पहली वीडियोस निकाल के देखता था कि इसने स्टार्ट कहाँ से लिया। तो बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन ना लें कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, माइक नहीं है, आपके पास
कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट आपके पास एक स्मार्टफोन है. एग्जैक्टली. 10 साल पुराना भी स्मार्टफोन है उसमें कैमरा तो होगा. ट्रू. आपको क्या चाहिए? एक कैमरा, और उस कैमरे के साथ आपको स्मार्टफोन का ही माइक चाहिए. तो उससे आप जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं. Exactly. और मैंने भी मैंने भी जो है ना, मैं ये ज़रूर बता दूं कि मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया था कि मैंने अपना मोबाइल और उसी के माइक के साथ स्टार्ट किया था. मैंने स्टार्ट में मैं माइक ले सकता था लेकिन मैंने स्टार्ट में ये जो है ना वो अहद कर लिया था कि मैंने इन्वेस्ट नहीं करना जब तक मैं यूट्यूब से अर्निंग कर लेता. मैं जो यूट्यूब से अर्न करूँगा मैं यूट्यूब पर ही लगाऊँगा. तो अभी तक बाद में जाके मैंने कुछ चीज़ें जो है वो इम्प्रूव की. जाहिर सी बात है अभी यूट्यूब की कोई अर्निंग नहीं आई है, लेकिन स्टार्ट आप जो है ना जो आपके पास इस वक्त अवेलेबल है, कोई एक्सक्यूज़ ना बनाएं, जो कुछ आपके पास है उसी से स्टार्ट करें और इंशाल्लाह जो है ना वो ग्रो करें. किसी भी चैनल के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप खुद होते हैं. एग्जैक्टली. देर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट देन यू. स्क्रिप्ट आपने लिखना है, अगर स्क्रिप्ट नहीं लिखना, आप अनस्क्रिप्टेड वीडियोज़ करते हैं वो भी आपने करना है. आपने अपनी एडिटिंग भी खुद करनी है, आपने अपनी लाइटिंग भी खुद करनी है, आपने अपने कैमरा एंगल्स भी खुद एडजस्ट करने हैं, आपने अपनी एडिटिंग भी खुद करनी है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक आप हैं. कैमरा वैमरा ये सब चीज़ें बाद में आती हैं. वो बड़े मशहूर फोटोग्राफर हैं, मुझे नाम लोगों के भूल जाते हैं. उनका एक बड़ा ज़बरदस्त कॉलेज, उन्होंने कहा जी द बेस्ट थिंग इन फोटोग्राफी इज़ नॉट द कैमरा, इट इज़ 12 इंचेस बिहाइंड इट. ठीक है. कैमरा इतना अच्छा, अगर आपको कंपोजिशन नहीं आती, अगर आपको वीडियो मेकिंग नहीं आती, तो आप जो मर्जी कैमरा ले लें. आप ये अल्फा 7C लगा हुआ, इसको छोड़ें, आप एरी एलेक्सा ले लें, 1.5 करोड़ का कैमरा है. बिल्कुल. ठीक है, जब आपको आएगा ही नहीं कि मैंने करना क्या है, मैंने बनाना क्या है, तो आप जो मर्जी बना लें. Exactly, नहीं चलेगा. Exactly. तो मेरे ख्याल से कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं. और अगर आपका पैशन है तो मेरे ख्याल से अगर तो पैशन है तो फिर स्टार्ट करें. अगर आप लोगों को देख के स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि भाई वो फलाना इतने पैसे कमा रहा है, वो उसने गाड़ी ले ली है, उसने ये कर लिया, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे. ये मेरी बात लिख रहे हैं. अगर आपका पैशन है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप जो है वो इतनी मालूमात रखते हैं कि आप वो मालूमात लोगों तक शेयर कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप ज़रूर स्टार्ट करें. अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे और आप समझेंगे कि YouTube इज़ द ईजी वे, तो YouTube पे आप आने के बाद आपको पता चलेगा कि इट इज़ द मोस्ट प्रोबेबली डिफिकल्ट वे. मोस्ट डिफिकल्ट. इससे बहुत सारे आसान तरीके हैं. TikTok बना लें. YouTube आपका जो है ना वो इतना कड़ा इम्तिहान लेगा. Exactly. इतना कड़ा इम्तिहान लेगा कि कोई दूसरी जॉब आपका इतना इम्तिहान नहीं लेती. एग्जैक्टली. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू लर्न, लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड, एंड लॉट ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस द क्वालिटी वीडियोज. क्योंकि यूट्यूब शायद वीडियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर उन चंद एक प्लेटफॉर्म्स में है जो कि आपकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा वेटेज देता है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ वीडियो, दैट इज कम्प्लीटली सेपरेट स्टोरी. आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ योर कॉन्टेंट. ठीक है. अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, मुझे भी ये सीखने में टाइम लगा, आई थिंक सैफ को भी सीखने में टाइम लगा होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर हैज़ टू बी अ स्टोरी टू टेल. आपके पास कोई ना कोई कहानी होनी चाहिए जो कि आप बताएं. एंड सेकेंडली यू शुड नो हाउ टू टेल अ स्टोरी. ठीक है. अब स्टोरी से मुराद ये नहीं है कि आप कोई वो देव मलाई दास्तान है या आपको फिल्मों की स्टोरी की बात हो रही है. आपका व्लॉग है तब भी, आपकी कोई डिस्क्रिप्टिव वीडियो है तब भी, आपकी कोई डॉक्यूमेंट्री है तब भी, यू शुड नो हाउ टू टेक द ऑडियंस विद यू फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड. एग्जैक्टली. ये एक आर्ट है. कुछ लोगों के साथ ये नेचुरल होता है, वो आराम से इसको परफॉर्म कर लेते हैं. फॉर अदर्स इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एंड डिलीवर. बट द बॉटम लाइन इज कि चाहे आप सीख के करें, चाहे आपको आता हो आप तब करें, देर हैज़ टू बी अ स्टोरी टू टेल एंड यू शुड नो हाउ टू टेल दैट स्टोरी. बिल्कुल. और इसके लिए सबसे आसान तरीका मेरे ख्याल में यही होता है कि आपके जितने भी फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, जिनकी वीडियोज़ को आपने कभी ऐसी नज़र से नहीं देखा कि मैं गौर से देखूँ बंदा क्या कह रहा है और क्या क्यों रहा है, उन वीडियोज़ को एनालाइज करना शुरू कर दें. बिल्कुल. कि ये बंदा किस तरीके से स्टोरी बताता है जो मुझे पसंद आती है. वही बात मेरे ख्याल में, अगर आप एक वो जैसे अपने चैनल पे न्यूज़ देते हैं और रिव्यूज़ देते हैं, ठीक है, आई एम नॉट टू मच इनटू दोज थिंग्स. मैं कहूँगा कि आज जैसे मैंने वो काम करना है जो सैफ करता है, तो मैं वो इतना बेहतर नहीं कर सकता क्योंकि सैफ वो काम ऑलरेडी कर रहा है, मैंने वो काम कभी किया ही नहीं है. एंड इट इज़ गोइंग टू बी द सेम वे अदर वे अराउंड. तो आप जो करना चाह रहे हैं, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप उससे रिलेटेड वीडियोज़ देखें, यूट्यूबर्स को देखें, और फिर उससे सीखने की कोशिश करें कि जनाब ये बंदा किस तरीके से स्टोरी को फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड लेके चलता है. एक चीज़ उसमें आएगी कि जब आप किसी को देख के वीडियो अपना कर रहे होंगे ना, अपनी वीडियो बना रहे होंगे, तो आप किसी आपकी वीडियो जो है ना वो किसी ना किसी से रिजेंबलेंस इनिशियली रिजेंबल करेगी, जरूर करेगी करेगी. और लोग आपको कहेंगे, मेरे साथ बहुत हुआ है, लोगों ने मुझे बहुत कहा है. मैंने खुद तुझे कहा. हाँ, आप साहिद भाई ने बहुत दफ़ा मुझे कहा है कि यार
तेरी वीडियो वो उस लड़के से बहुत मिलती है, वो ये वाला जो लड़का है तो वो उसकी कॉपी करता है। मैं नहीं जाहिद भाई, मैंने कॉपी नहीं करनी उसकी, ना मैं कर रहा हूँ उसकी कॉपी। और मुझे बहुत सारे मेरे चैनल के नीचे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं तो कि टेक्निकल गुरु जी को कॉपी कर रहे हैं यार, मैं उसको कॉपी नहीं कर रहा। हाँ, मैं उसको कॉपी नहीं कर रहा। तो वो जब आप किसी बंदे की वीडियो देख रहे होते हैं या किसी से इंस्पायर्ड होते हैं या कुछ उस जैसा बनना चाह रहे होते हैं, वो शायद थोड़ा बहुत आपकी वीडियो में उसकी रिफ्लेक्शन आ जाती है, क्रीप इन हो जाता है। हाँ, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपको अपना स्टाइल बिल्ड करने में जो है वो टाइम लग सकता है। बहुत कम लोग होते हैं जिसका स्टार्ट से ही जो है ना वो अपना स्टाइल होता है, वो अपने स्टाइल से सारी चीज़ें करते हैं। अगर तो आपका अपना एक स्टाइल है वीडियो बनाने का वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं 250-270 प्लस जो है ना वो वीडियोस बना चुका हूँ, अब जाके मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा जो है वो मैं अपना बेहतर होता है, नेचुरल स्टाइल की तरफ आता हूँ। और जाहिद भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि मैं जब भी जाहिद भाई से बात कर रहा, जाहिद भाई मेरी पिच के ऊपर बात कर रहे होते हैं, मेरी डिलीवरी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, कैसे स्टार्ट करना है कैसे। और जैसे जैसे ये आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मैं इनकी बातों पर अमल कर रहा हूँ और वही जो है ना मेरी वीडियोज़ को थोड़ा सा जो अभी तक थोड़ी बहुत जो बेहतर हो रही हैं, अभी मैं नहीं समझता बेहतर है, इसमें बहुत बेहतरी आने वाली है, लेकिन जो थोड़ी बहुत भी बेहतरी आई है अभी तक वो जाहिद भाई की वजह से आई है। पहले मैं यही देख के खुश होता हूँ, मैं कहता हूँ चल माशाल्लाह सैफ जो है ना वो सही फुल स्पीड पे जा रहा है, साल हो गया माशाल्लाह, बट कितने 10,000 सब्सक्राइबर हो गए? नहीं, सून टू बी ऑलमोस्ट 10,000 हो गए ना, ऑलमोस्ट 10,000, 7,700। तो यू सी द डिफरेंस, एक नीश है, हमने रैंडम चलाया है। हाँ, वो जो पहला हमारा पॉइंट था वो यहीं पे आपको क्लियर होता हुआ नजर आ गया कि अगर आप एक नीश को लेके चलेंगे तो सूनर और लेटर आपको जो है ना वो रिवॉर्ड मिल जाएगा। चले सैफ मियां, ये तो बात होगी इस चीज की। अब नेक्स्ट मेरे ख्याल में आप कौन सी टिप ऐसी या कौन सा ऐसा मौजू है जिस पर आप बात करना चाहेंगे जो कि आपके ख्याल में यूट्यूब पे बहुत इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल से आपकी जो 3 साल की बात हो रही है उसी से अगर मैं कहूँ कि जो पेशेंस है इस चीज का वो बहुत जरूरी है। यूट्यूब आपके सब्र का इम्तिहान लेगी और बहुत ही कड़ा इम्तिहान लेगी। आपको बहुत ही मेहनत से एक वीडियो बनाएंगे, सारा दिन लगा के एक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो सिर्फ 10 व्यूज़, 15 व्यूज़, 20 व्यूज़ से ऊपर नहीं जाएगी तो आपको बहुत गुस्सा आएगा कि भाई ये इतनी मेहनत की है और इस व्यूज़ नहीं आ रहे। और कोई वीडियो आप जो है वो ऐसे ही रैंडमली खड़े होके बेदिली से बना देंगे और वो वीडियोज़ जो है वो आपकी मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियो बन जाएगी, आपके चैनल की सबसे बेहतरीन वीडियो बन जाएगी। तो आपका जो है ना वो पेशेंस का इम्तिहान जो है ना वो यूट्यूब बहुत ज़्यादा लेगा। और मेरे ख्याल से तो यूट्यूब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 1 साल जेहन में ये रखना है कि मुझे 1 साल तक बगैर किसी चीज़ के सोचे समझे मुझे अपना कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो बनानी है और उसके बाद मैंने डिसाइड करना है कि मैंने आगे क्या करना है। तो 1 साल आप एटलीस्ट दें, आप भूल जाएं कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, भूल जाए आपका वॉच आवर पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, आप पूरा 1 साल दें, आपको जो है ना उसके बाद रिजल्ट्स जो है वो नज़र आ जाएंगे। विद इन 1 ईयर आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे अगर आप ये जो हम पीछे पॉइंट्स डिस्कस करते हुए आ रहे हैं उन पॉइंट्स पर जो है वो थोड़ा बहुत अमल कर रहे होंगे। सैफी, मैं इसके साथ ही एक चीज़ और ऐड करूँगा, पेशेंस की बात तो आपने बड़ी ज़बरदस्त की और पेशेंस की आला मिसाल आपके सामने बैठी 3 साल। नेवर गिव अप, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रिलेटेड टू पेशेंस। बिल्कुल, पर मैं इसका जिक्र अलहदा से करना चाहूँगा क्योंकि देखें आपको सीधी सी बात बताता हूँ, जब आप बिल्कुल नए यूट्यूबर होते हैं और अगर चांसेस ये हैं कि आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आए कि जहाँ पे ऑलरेडी आपका एक थोड़ा सा आप फेमस थे या कुछ ऑलरेडी आपका थोड़ा सा ऐसा ऐसी चीज़ थी कि जो लोगों को ऑलरेडी पता थी, जैद अली हो गया, कुछ और यूट्यूबर्स हो गए जो कि ऑलरेडी फेसबुक पे फेमस हो चुके थे, वो जब यूट्यूब पे आए वाइन पे फेमस हो चुके थे यूट्यूब पे आए, या अगर कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि ऑलरेडी सेलिब्रिटीज़ हैं, शुएब अख्तर है या सेलिब्रिटी से सेलिब्रिटी आपका फ्रेंड है आपकी वीडियो में आ सकता है, सचिन तेंदुलकर है, शुएब अख्तर है, इन सब की आप मिसालें, खास तौर पे शुएब अख्तर की मिसाल मैं बार बार इसलिए देता हूँ कि वो यूट्यूब रिवाइंड में स्पेशल उसको फीचर किया था बिकॉज ही वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट गाय टू गेन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, क्योंकि उस बंदे का ऑलरेडी एक बैकिंग थी यार, बैकिंग थी उसके पीछे, पूरी दुनिया उसको पहले से जानती थी। आपको चांसेस यही है कि बहुत सारे लोग आप में से होंगे उनको कोई नहीं जानता होगा सिवाय मोहल्ले के और दोस्तों के। और एक चीज मैं आपको और यहाँ पे पॉइंट आउट ये कर दूँ, दोस्त आपके हो सकता है 500 हो, मेरे 1000 थे, लेकिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर 2 साल बाद हुए, क्योंकि यूट्यूब पे जो आपके दोस्त यार और मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स हैं उनको भूल जाएं भाई, वो आपकी वीडियो वैसे ही नहीं देखेंगे। हाँ ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर, मैं भी सब्सक्राइब कर लेंगे आपको लेकिन उसका फायदा नहीं होने वाला, उसकी सब्सक्रिप्शन का आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपकी वीडियो नहीं देख रहे होंगे। बिल्कुल, तो आपको इनिशियली
ऐसी सख्त किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ेगा ना कि आप कुछ देर से बाद खुद सोचेंगे यार मैं छोड़ ही देता हूँ. यूट्यूब एल्गोरिथम इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू. और ये बात याद रखिएगा कि कई मरतबा ऐसा होता है कि इवन इफ योर कॉन्टेंट इज क्वालिटी कॉन्टेंट कंपेयरिंग टू दी अदर पीपल जिनको आप देख रहे होते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल सी बात होती है कि अक्सर यूट्यूबर्स अपनी वीडियो अपलोड करने के बाद दूसरे की वीडियो को किसी उस टॉपिक पे जाके देखते जरूर हैं और एनालाइज जरूर करते हैं, यार मैंने तो इतनी अच्छी बनाई इसकी वीडियो, देखो कहाँ जा रही है मेरी वीडियो कहाँ जा रही है. इट इज़ क्वाइट नेचुरल टू डू. और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप जब करेंगे तो आपका दिल भी टूटेगा, बिल्कुल, लेकिन डोंट गिव अप, दैट इज द की, डोंट गिव अप. एग्जैक्टली. हम लोग अभी तक ये सुनते आए हैं कि यार SEO एंड थंबनेल्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है. SEO और थंबनेल्स, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ही इज वन ऑफ दोज गाइज, एंड एक्चुअली इस लड़के का जो क्या कहना चाहिए शेयर मेरे थंबनेल्स को इम्प्रूव करने में आई थिंक 70% तो है. बाकी मेरे अपने सब्सक्राइबर्स बहुत सारे बेचारे जो सजेस्ट करते रहते हैं, जिनको खुद सोच के ख्याल आता है कि यार ये वीडियो तो इतनी अच्छी है इसका थंबनेल क्या बकवास था. और मुझे याद है जब आप हम उधर मिले थे जिसके बाद मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो आपने कहा था यार मैंने आज ही एक वीडियो, हम लोग थंबनेल्स के ऊपर ही बात कर रहे थे, तो आपने कहा था यार मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया उसका मुझे थंबनेल बना के दे, मैं देखता हूँ तो कैसा थंबनेल बना. मैंने कहा चले मैं आपको जाके सेंड किया, तो मैं गया, मैंने जाके इनको थंबनेल जो है ना वो सेंड किया. इन्होंने कहा यार बड़ा अच्छा बनाया, इन्होंने वही थंबनेल जो है वो लगा दिया. मेरे ख्याल वो वीडियो मैंने कुछ 2-2.5 साल बाद जाके जब मैं इससे मिला था तो उसके बाद भी मैंने काफी अरसा तो किया ही नहीं था. हाँ, मेरे मैं जहाज पे जो मैसेज कर रहा था देख मैंने ये किया है क्या है ये SEO कैसी है. तो इन्होंने मुझे अपने चैनल का एडिटर भी बनाया था कि आप खुद देखो कि क्या चीज़ इसमें इम्प्रूव हो सकती है, तो उसमें मैंने बताने की कोशिश भी की थी इनको, लेकिन मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ SEO का, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी हुई है. डिजिटल मार्केटिंग मैंने पढ़ी हुई है, मेरा सब्जेक्ट रहा हुआ है, तो मुझे जो है ना वो बेसिक नॉलेज है कि SEO कैसे काम करता है, आपके जो है ना वो गूगल यूट्यूब एल्गोरिदम है वो कैसे वर्क करते हैं, किस तरह आपकी जो है ना वो वीडियो सर्च रिजल्ट्स में बेहतर जो है वो परफॉर्म करती है. तो मैं उसकी थोड़ी बहुत टिप्स जो है ना वो जाहिद भाई को देता रहता था जब भी वो देखते थे. और इनका अगर एनालिटिक्स में भी जाते थे तो मैंने देखा था कि यूट्यूब सर्च का जो शेयर है वो बहुत कम था, 10% था. तो अब जाके 21% हुआ है. मैंने कहा इस जाहिद भाई इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ना वो बहुत मुश्किल है आपकी वीडियोज. बल्कि यार इनिशियली जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे ना जब आपने वो पीटी सेल वाली वीडियो की थी, तो उस वक्त तो मुझे याद है कुछ 7.2 या 7.3% था. मैंने कहा इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब देख रहा था अपने चैनल को मेरा मोर देन 55% जो है ना वो सर्च रिजल्ट से ट्रैफिक आ रही थी. और मेरे स्टार्ट में जो आपकी ट्रैफिक आनी है अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको आपकी SEO जो है ना वो बहुत बेहतर करनी पड़ेगी. आपकी जो ज़्यादा ट्रैफिक है ना यूट्यूब आपकी वीडियो को रिकमेंड नहीं कर रहा, जब आप वीडियोस अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपकी वीडियो को रिकमेंड नहीं करेगा. तो आपकी जो मेजर चंक जो है ना व्यूअर का वो आपका यूट्यूब सर्च से ही आएगा, तो वो आपको जो है ना वो काफ़ी बेहतर जो है वो करना पड़ेगा. और मैं स्पेशली यहाँ पे एक बात और ऐड करता चलूँ कि मैंने पिछले कुछ दिनों में कुछ वो यूट्यूब के जो क्रिएटर इनसाइडर है कुछ ऐसा ही है यूट्यूब का जो वो स्पेशली जो स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए वीडियोस क्रिएट करते हैं, तो मैं उसकी वीडियो देख रहा था, उसने मुझे बड़े ज़बरदस्त किस्म के मैट्रिक्स दिखाए उस खातून ने. तो उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई, उसने कहा इनिशियल जो किक है ना आपको जो मिलेगी वो आपको मिलती है आपकी SEO से, बिल्कुल, और आपके थंबनेल से, बिल्कुल. बट वंस आपका चैनल ट्रैक्शन गेन कर जाए, आप कैसी नाइस्टेट को देख लें, पीटर मैकेनन को देख लें, MKBHD को देख लें, उनकी डिस्क्रिप्शन में सिवाय लिंक्स के और कुछ नहीं होता, टैग्स 1 या 2 टैग लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे ही है. टाइटल अपनी मर्जी का डालते हैं, शहाना टाइटल जो उनका दिल करता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये आपका जो SEO है इट इज ऑलमोस्ट इररिलेवेंट. जब आपका चैनल ठीक ठाक ग्रो कर जाए YouTube does not give a damn कि आपके SEO के अंदर है क्या. SEO के अंदर है क्या. लेकिन initial kick के लिए it is very very important. Initially important. तो मेरे ख्याल ये किसी और दिन जो है वो डिस्कस करते हैं SEO के बारे में, thumbnails के बारे में. हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बेसिकली सैफ जो है स्पेशली इसको काफी अच्छी नॉलेज है एनालिटिक्स के बारे में, और मुझे भी एनालिटिक्स को पढ़ना समझना ज़्यादातर इसी ने सिखाया, क्योंकि एनालिटिक्स मेरे लिए एक इंतहाई बोरिंग सब्जेक्ट है. मुझे आप फिजिक्स पढ़ा लो, मैथ्स पढ़ा लो, केमिस्ट्री पढ़ा लो, स्पेस के बारे में पढ़ा लो, आई विल बी मोर देन इंटरेस्टेड. बट एनालिटिक्स, SEO, यार मेरा थंबनेल्स मेरी जान जाती है इन सब चीज़ों से.
अगर आप लोग ये चाहते हैं और अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि यार हाउ डज द SEO वर्क, SEO को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, व्हाट शुड बी हैपनिंग इन थंबनेल, जिसमें ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कम्प्लीटली फील्ड इस लड़के की नहीं नहीं, अब माशाल्लाह आपको भी काफी थोड़ा बहुत पता है यार, लेकिन सिर्फ SEO के बारे में नहीं, हम कुछ और चीजें भी साथ जो है ना वो ऐड करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आप माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं, वो चीजें ऐड करेंगे इसके अंदर और फिर एक और बैठक जो है वो कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो देखना है तो आप बताइए, लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स में जाएं और बताएं क्या चाहते हैं आप। थोड़े मेरे चैनल को भी थोड़ा ऊपर ले जाओ यार। हाँ वो यार जो पक्के आपके वो हैं मैं सब्सक्राइबर, और उनको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यार जो भी वीडियो आती है एटलीस्ट एंड तक उस वीडियो को ज़रूर देखें, थोड़ी बहुत जो है ना उससे हेल्प ज़रूर मिलती है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, वॉच टाइम आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बगैर जो है ना वो वीडियो को ना जाया करें। ये जो बैक पे जो स्ट्रगल होती है किसी भी यूट्यूबर के, वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा होती है, और आपकी एक छोटा सा एक्ट, आपने सिर्फ वीडियो को लाइक का बटन दबाना है और आपका कुछ भी नहीं जा रहा, तो कितना कर रही होती है वो क्रिएटर को, वो मेरे ख्याल से आप नहीं जानते। तो छोटा सा कमेंट छोड़ दिया करें, बेशक वो चार लाइनों का हो या चार वर्ड्स का क्यों ना, तो वो आप छोड़ के ज़रूर जाया करें। और मैं स्पेशली एक बात और पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल के पुराने व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं, जिनमें से कई अक्सर औकात कमेंट करते हैं कि आई वॉज हेयर विद यू व्हेन यू हैड वन सब्सक्राइबर एंड आई एम हेयर विद यू अगेन टुडे, बड़ा मज़ा आता है पढ़ के, लेकिन उनमें से अक्सर लोगों को ये बात कि मैं एक जहाज़ का कप्तान हूँ और मैं मुल्क से बाहर रहता हूँ, ये सब चीज़ें उनको भी एक साल पहले पता चलना शुरू हुई हैं, बिकॉज आई डिड नॉट चूज टू डू दैट। मैं आप लोगों के सामने एज अ यूट्यूबर आता हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने अपनी वो स्किल लेके आना चाहता हूँ जो कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ बन के आता हूँ जो कि मेरा एक पैशन है। मैं इस वक्त जहाज़ का कैप्टन नहीं हूँ, मैं इस वक्त आप लोगों को ये नहीं बताता कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, बिकॉज दैट ऑल इज़ इरेलेवेंट। मेरा और आपका जो रिश्ता है वो इस कैमरे के थ्रू है, इस आँख के थ्रू है। सो इफ़ यू अप्रिशिएट द थिंग दैट आई डू, इट माइट नॉट मैटर सो मच टू यू बट इट मैटर्स टू मी। एग्जैक्टली, इट मैटर्स टू मी। तो जनाब एट द एंड फाइनली, अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, इस वीडियो ने आपको किसी भी तरीके से हेल्प किया हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माय ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज मी ज़ाहिद निसार, विद मी इज गुरु राना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।